सो दोस्तों, क्या आपके चैनल पे भी 4000 घंटा वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो आपको सच्चाई बात और रियलिटी बात नहीं बताएंगे। आज मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगा वो एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा, और जो मैं आज आपको बताऊंगा ये चीज़ को आप आज फॉलो करो, दो महीने बाद फॉलो करो या चार महीने बाद करो। दोस्तों मैं सही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आप लोग खुद अपने आंखों से देखो कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जो आपको सही तरीका बता रहा है। आप क्या करो कि देखो, मैं आपको साइड में स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके दिखा देना चाहता हूँ। ये मेरा चैनल है साहिल के टेक, ठीक है। इसके क्या करेंगे, मोस्ट पॉपुलर व्यूज़ वाले वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो परफॉर्मेंस में क्लिक करते हैं, ठीक है। वीडियो परफॉर्मेंस में क्लिक करेंगे तो कुछ 1,03,000 लमसम व्यूज़ आया है। एंड अगर हम इसके वॉच टाइम को इंक्रीज या काउंट करें तो यहाँ पर देखो 3.3K, यानी कि 3,300 वॉच टाइम, घंटा का वॉच टाइम। और ओनली फॉर कितना चाहिए, 4,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। और यहाँ पर मेरे एक ही वीडियो पे 3,000 प्लस वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। एंड आप सभी को पता है कि सब्सक्राइबर, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन जो कहते रहते कि मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ाना है, मेरे को सब्सक्राइबर इंक्रीज करना, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा, बहुत सारे लोग कहते रहते। तो यहाँ पे आप देखो मेरे एक ही वीडियो पे सब्सक्राइबर कितने इंक्रीज हो गए, 1,000, ठीक है। आप खुद अपनी आंखों से देखो एक वीडियो में, मात्र एक वीडियो में 1,000 सब्सक्राइबर। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, बढ़ ही नहीं रहा भाई, कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज करें। मेरे यहाँ पे तो पिन भी आ चुका है, गूगल एडसेंस पिन भी आ गया है। और आप लोग यहाँ पे देखो एक ही वीडियो में मात्र 3,000 घंटा प्लस वॉच टाइम और साथ ही साथ 1,000 सब्सक्राइबर। आप यहाँ पे खुद प्रूफ देखो। एंड और भी वीडियो ऐसे हैं जिनमें अच्छा खासा व्यूज़ आया है, अच्छा खासा वॉच टाइम आया है, 1,000 प्लस वॉच टाइम आ चुका है, 700 वॉच टाइम आ चुका है, 500 प्लस सब्सक्राइबर आए, बहुत सारा ऐसा वीडियो मेरे चैनल पे। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ बता रहा हूँ ये चीज़ आप भी अपने चैनल पे कर सकते हो। अब तरीका मैं आपको कैसे बताऊँगा, आपको कैसे करना है, क्योंकि भाई आपके चैनल पे प्रॉब्लम्स है, आपके चैनल पे इस तरीके का वॉच टाइम या इस तरीके का सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आपको ये चीज़ करना ज़रूरी है और इस वीडियो को भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। बड़े 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 यूट्यूबर है ना, वो आपको बस फर्जी बातें बता रहे हैं, एंड आपको बस अपनी बातों में फंसा के रख रहे हैं कि आपको ये करना, 50 रुपया में, 100 रुपया में, 150 में ये सब्सक्राइबर खरीद लो, वो सब्सक्राइबर खरीद लो। इन सभी चीज़ों से आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका चैनल आगे भी तक नहीं जाने वाला, ये आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आज इस चीज़ को समझ लोगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक दो साल बाद ये बात समझोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भाई उस टाइम आपने एक साल बर्बाद कर दिया बस इन सभी पीछे के चक्कर में या इन सभी बातों के चक्कर में। आप यदि मेरे को फॉलो करोगे तो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा अच्छे तरीके से, सब कुछ डिटेल के साथ, जो भी चीज़ है उस चीज़ को मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रख के आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वीडियो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद हम नॉर्मल से क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले हाईलाइट में देखो कि 3 हैशटैग मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आपको यहाँ पे टेक्निकल योगी कुछ इस तरीके से आपको और भी 2 हैशटैग दिख जाएंगे, ठीक है। एंड जो वीडियो का टाइटल है उस टाइटल को मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉपी किया एंड पेस्ट किया है। जो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दे जाओ, आपको ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको पेस्ट किया एंड आप लोग यहाँ पे देखो नीचे इसके स्क्रॉल करने के बाद 3-4-5 ऐसे वीडियो है जो कि ओल्ड वीडियो है, जिसके रिलेटिव से मैंने वीडियो में बोला है और उस चीज़ को यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वहाँ पे ऐड किया है। एंड उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो बस नॉर्मल से एक सोशल लिंक है जो कि इंस्टाग्राम का है, आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम का भी डाल सकते हो। वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिखेंगे जो कि वीडियो के रिलेटिव से आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड उसके नीचे अगर आप लोग देखोगे तो मैंने हैशटैग ऐड किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैशटैग है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हैशटैग चल रहा था, इसलिए मैंने उस टाइम हैशटैग लगाया और अभी भी हैशटैग चलता है। आप अपने मर्जी से ज़्यादा हैशटैग नहीं लगाना, नॉर्मल सा 10-20-30 हैशटैग लगाना, जिससे आपका वीडियो का परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा हाई लेवल चले। इतना काम करने के बाद अब आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना कि जो भी वीडियो बना रहे हो लॉन्ग वीडियो बनाना, बस यही चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि भाई यदि आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना है, आपको वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए लॉन्ग वीडियो इंपॉर्टेंट रहता है। यदि आप लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करोगे तो आपका वॉच टाइम कैसे कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो पे आपको वहाँ पे वॉच टाइम दिखता है लेकिन वो
रियलिटी में एड नहीं होता है आपकी रियल वॉच टाइम में, वॉच टाइम वही एड होता है जो आपके लॉन्ग वीडियो को आता है। एंड लाइव स्ट्रीम करो, लाइव स्ट्रीम करने से फायदा ये है कि आपका वहाँ पे जितना वॉच टाइम आएगा वो आपका वहाँ पे इंक्रीज होगा, एड होगा। लेकिन यदि आपके चैनल पे सब्सक्राइबर बेस नहीं है, ऑडियंस बेस नहीं है, तो आप, मैं कहता हूँ कि आप लाइव स्ट्रीम मत करो, आप नॉर्मल सा बस वीडियो में ध्यान दो। वीडियो चलेगा भाई तो आपका ऑटोमेटिकली वॉच टाइम भी इंक्रीज होगा, सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो आपको वॉच टाइम बढ़ाने का तरीका, व्यूज बढ़ाने का तरीका, सब्सक्राइबर बढ़ाने का तरीका जो भी यूट्यूबर बताता है ना, उन सभी यूट्यूबर्स को आप फॉलो मत करो। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ क्योंकि भाई सभी लोग आपको फर्जी बातें बता रहे हैं। YouTube पे अगर आप काम कर रहे हो ना, तो YouTube पे काम करने से पहले आप ये मायने में रख लो कि कुछ भी बढ़ाने का ट्रिक के पीछे अगर भागोगे तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ दोस्त, ये चीज़ आपको YouTube पे कोई नहीं बताएगा, और जो भी बताएगा वो फर्जी बातें बताएगा। और आप क्या हो भाई, फर्जी बातों को देखने वाले, फर्जी बातों को फिर फर्जी वीडियो को क्लिक करने वाले, आप ऐसे ही लोग हो, फर्जी वीडियो पे फर्जी कमेंट करने वाले आप ऐसे ही लोग हो। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपको YouTube पे कोई नहीं बताएगा, हर ये चीज़ सच्चाई हो चुकी है आज के ज़माने में। YouTube में ऐसे वीडियो जिसमें ना किसी तरह का कोई दम, ना किसी तरह का कोई थंबनेल में दम, ना किसी तरह का कोई वीडियो में दम, ना किसी तरह का कोई क्वालिटी में दम, फिर भी वो वीडियो चलता है, फिर भी वो वीडियो को देखते लोग, फिर भी वो वीडियो पे क्लिक करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्यों? कोई रीज़न नहीं है, कुछ रीज़न नहीं, 1% भी अगर आप लोग रीज़न बता दोगे ना, 1% भी कोई रीज़न नहीं। बस एक रीज़न कह सकते हो, ये लड़की है, ये कह सकते हो, या ये कह सकते हो भाई इस वीडियो में अच्छा दिखा मेरे को, बस ये कह सकते हो, और कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो पे देखोगे, मेरे वीडियो पे क्वालिटी के साथ साथ जो कंटेंट तरीका था बनाने का ना भाई, वो कंटेंट भी आपको मैं रियलिटी बताता हूँ, जो भी चीज़ बताता हूँ वो सच्चाई बात बताता हूँ, ठीक है। और जो थंबनेल क्वालिटी है आप खुद देख सकते हो ना, अपने आँखों से देख सकते हो, मैं आपको फेक बातें नहीं बताऊँगा। आप खुद देखो कि यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अगर आज मैं वीडियो बनाऊंगा तो कल परसों मेरे को कुछ ना कुछ जरूर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। मैं आपके जैसे नहीं कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के पीछे भागूंगा, व्यूज़ बढ़ाने के पीछे भागूंगा और वॉच टाइम बढ़ाने के पीछे भागूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे को पता है मैं कंटेंट बनाऊंगा तो कंटेंट लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, आज नहीं पसंद आएगा तो 1 साल बाद तो ज़रूर पसंद आएगा, कभी तो पसंद आएगा, 2 साल बाद, 5 साल बाद पसंद तो आएगा ना, ज़रूर पसंद आएगा। यूट्यूब ज़रूर बूस्ट करेगा, ज़रूर मेरे को आगे करेगा। मैं खुद के मेहनत पर ध्यान देता हूँ, मैं खुद के वीडियो पर ध्यान देता हूँ, मैं अपनी कमी को ध्यान देता हूँ कि क्या कमी मैं कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। यदि आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपके अंदर वो चीज़ मैं भर दूंगा कि आप 1 साल के अंदर अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट देखोगे ना, आप मैं लिख के कह सकता हूँ, आप जो पहले थे वो नहीं रहोगे, जो मैं आपको बताऊँगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैं आपको बनाऊंगा वो रह जाओगे, और वो तरीका आपको आगे लेता हुआ जाएगा, क्योंकि आप अपने मेहनत पर ध्यान दोगे, आप अपनी कमी को ध्यान दोगे, आप अपनी कमी को निखारोगे, आप अपनी कमी को सुधारने की कोशिश करोगे, ना कि किसी दूसरे को कमी को कोसोगे, किसी के दूसरे को मोमेंट को देख के जलन करोगे, वो काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा वो तरीका। आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना, आपको अपने कंटेंट पर ध्यान देना, अपनी गलती को सुधारना, आपको अपने इंप्रूवमेंट करना, अपने आप में इंप्रूवमेंट करना, अपने थंबनेल में इंप्रूव करना, अपने वीडियो क्वालिटी में, अपने बोलने के तरीका में, हर किसी भी चीज़ में आपको अपने आप से इंप्रूवमेंट करना। अपने आप को इंप्रूव करोगे तो भाई ऑटोमेटिकली आपको ऑडियंस पसंद करेगा, आपको ऑडियंस आपको देखेगा, आपको सपोर्ट करेगा और आपको आगे तक भी लेके जाएगा। और दूसरे के पीछे भागोगे, दूसरे के पीछे के वीडियो भागोगे, कितना वीडियो देखती रह जाओगे, कितना वीडियो देखेगा, कभी इसका वीडियो, कभी इसका वीडियो, कभी इसका वीडियो। आपको किसी तरह का कोई नॉलेज मिलता तो कोई बात की बात है, यदि नॉलेज मिलता तो आप वैसे नहीं रहते अभी जो आप हाल में हो, वहाँ पे अगर आप नहीं रहते, अगर आपको वीडियो से नॉलेज मिलता उन सभी के वीडियो से, नहीं रहते, मैं लिख के बोल रहा हूँ। तो कोशिश करो भाई, आप मेरे को सपोर्ट करो, मैं आपको आगे तक लेके जाऊंगा, आपको कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करूंगा। YouTube पे मैं आया हूं तो आपके लिए आया हूं, और आपको कुछ बदलने की कोशिश करूंगा कि आप जिस भी हाल में हो, जिस भी हाल में, उस हाल से आपको मेरा निकालने का मेरा वादा है, और उस हाल से आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाने का मेरा वादा है, और उस हाल से आपको वहाँ आगे तक ले जाने का मेरा वादा है। आज मैं इस चैनल पर काम कर रहा हूँ, इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद मैं ऐसा कंटेंट लाने वाला हूँ, ऐसा कंटेंट लाने वाला हूँ जो कि YouTube पे कोई नहीं है, ठीक है। और उस कंटेंट में, उस तरीके से आप इतना अर्निंग कर सकते हो, इतना अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये चीज़ आपको YouTube पे कोई नहीं बताएगा। आपको प्रमोशन वीडियो बता देगा कि इस एप्लीकेशन से आप इतना कमा सकते हो, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊँगा, जो एप्लीकेशन आने वाला है, उस एप्लीकेशन या वो तरीके से आप लोग इतना अर्निंग कर सकते हो, वो आपको YouTube पे कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बताऊँगा, अगर आप लोग मेरे को फॉलो करोगे तब।
नहीं फॉलो करोगे तो भाई आप पे डिपेंड करता कि आप क्या करना चाहते हो। तो आई होप समझ में आया होगा जो भी मैं चीज समझाने की कोशिश किया था। मेरे को लगता कि आप लोग समझदार हो तो आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।